हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली वर्कशीट नंबर 12 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स। इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर एंड यू विल हैव टू डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश नोटबुक। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट को आपको इंग्लिश की नोटबुक में करना है एंड टुडे वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट ऑफिशियल लेटर और फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स, यानी हमें एक जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो कैसे लिखने चाहिए या हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस। देखिए, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ना, उनको हम ऑफिशियल पर्पस से लिखते हैं, यानी किसी की ऑफिस में देने के लिए लिखते हैं। और आपके लिए ऑफिस क्या होगा? आपके लिए तो आपका स्कूल ही ऑफिस होगा, है या नहीं? दीज लेटर्स आर जनरली रिटन टू एन एडिटर, यानी किसी अखबार के संपादक को लिखा जाता है, एडिटर को लिखा जाता है। अब प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को स्कूल में लिखा जाता है इस तरीके के लेटर। और हायर अथॉरिटीज ऑफ एन ऑफिस और एन इंस्टीट्यूशन, या फिर जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं किसी ऑफिस के, यानी सबसे ऊँचे अफसर हैं या किसी संस्थान के जो सबसे ऊँचे पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर्स। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आपका जो ऑफिस है या जो आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे, किसको लिखेंगे? आप अपने प्रिंसिपल को ही लिख सकते हैं, लिखते हैं ना। तो फिर यहाँ पर जैसे दे भी रखा है एक एक्टिविटी, थिंक ऑफ द सिचुएशंस व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, यानी उन स्थितियों को सोचिए जब आप ये महसूस करते हैं कि आपको प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखने की ज़रूरत है। तो कौन कौन सी ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं? जैसे कि एप्लीकेशन फॉर लीव, जब आप छुट्टी लेते हैं तो एप्लीकेशन किसको लिखते हैं? प्रिंसिपल को लिखते हैं ना। रेमिशन ऑफ फाइन, यदि आपके ऊपर कोई फाइन लग गया है तो उसको हटवाने के लिए भी आप किसको लेटर लिखोगे? प्रिंसिपल को लेटर लिखोगे। फिर है रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है, छात्रवृत्ति जिसे हिंदी में कहते हैं, वो नहीं मिली या आपको मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, बहुत बच्चे गरीब होते हैं तो वो नहीं पढ़ पाते, लेकिन अपने साधन नहीं जुटा पाते पढ़ने के लिए, तो इसके लिए वो स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए रिक्वेस्ट देते हैं, तो इसके लिए भी एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखनी पड़ती है। फिर है रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, यानी अगर आपके स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, तो क्या कौन सा लेटर लिखना है? फॉर्मल लेटर। फिर इसके बाद है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, यानी कई बार हम प्रिंसिपल को थैंक्स करने के लिए भी लेटर लिखते हैं, लिखते कि आपने हमारे स्कूल में ये करवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन सभी पर्पसेस के लिए हम कौन से लेटर लिखते हैं? हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर्स, याद रखना फॉर्मल लेटर्स। अब ये फॉर्मल लेटर्स लिखा कैसे जाता है, हम उसके बारे में जानेंगे। एंड द सेकेंड इज, अब देखिए, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल इज गिवन बिलो, यानी एक फॉर्मेट आपको दे रखा है जिसमें कुछ चीज़ें तो डिसाइडेड होती हैं, हमें एज इट इज़ लिखनी होती हैं, और बीच का जो मैटर है बस वही हमें अलग लिखना होता है, बाकी जो ऊपर नीचे की चीज़ें होती हैं वो हमें सेम लिखनी होती हैं। तो इसलिए आज ही इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लेटर लिखें प्रिंसिपल को तो आपकी कभी भी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले और हमेशा सब चीज़ों को लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट टॉप पर सबसे पहले, क्योंकि एड्रेस जिसको करना है, किसको करना है? प्रिंसिपल को। द प्रिंसिपल, अब टू नहीं लगाते, पहले बहुत कभी पहले टू लगवाते थे, तो अब टू नहीं लगाते, द प्रिंसिपल। फिर आपका स्कूल नेम, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, उसके बाद उसका स्कूल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे डेट, जो भी डेट, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट आप लिखेंगे। फिर इसके बाद है सब्जेक्ट, यानी किस पर्पस से आप लेटर लिख रहे हैं, वो आपको यहाँ पर छोटा सा लिखना होगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं कि किस पर्पस के लिए आप लिख रहे हैं, बस वो लिखना है। फिर सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि वो सर हैं या मैम हैं, तो अगर सर हैं तो सर लिखेंगे और मैम हैं तो मैम लिखेंगे। फिर इसके बाद होता है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी आपको असल में लेटर में लिखना क्या है, तो उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, कैसे क्या है। फिर बीच का कंटेंट, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन, यानी
कि आप उसका क्या सोल्यूशन चाहते हैं या किस चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर इन सब के बाद आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लिखेंगे योर्स ऑबिडेंट यानी आपका आज्ञाकारी, फिर अपना नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास एंड सेक्शन। तो ये चीज़ें, तो कुछ चीज़ें तो इसमें परमानेंट हैं, वो एज इट इज़ ही लिखी जाएंगी, लेकिन बस बीच की जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो हमेशा चेंज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट विल मूव ऑन पार्ट नंबर सी, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। अब आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है और यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए क्लू दे रखे हैं इस बॉक्स में, यानी इन वर्ड्स की हेल्प से आपको इस एप्लीकेशन को पूरा करना है। हो जाएगा ना, बहुत ईजी है। अब इसका टाइटल क्या है, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 3 days लीव फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। यानी आपको प्रिंसिपल को एक लेटर, एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको अपनी सिस्टर्स की मैरिज के लिए, आपकी जो बहन है उसकी शादी के लिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। बहुत आसान है, देखो फॉर्मेट यही होता है, सिर्फ उसमें थोड़े बहुत पर्टिकुलर चेंज हो जाते हैं, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से याद कर लोगे ना तो फिर किसी भी बच्चे को लिखनी हो वो यही लिख सकता है, बीच वाले जो पर्टिकुलर है उनको चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें, देखो ये बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मेट की तरह है जो अभी मैंने समझाया था, क्योंकि जब भी हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं उसका फॉर्मेट यही होता है ना। तो सबसे पहले तो यही लिखना है द प्रिंसिपल, मैंने जैसे समझाया था, आप टू नहीं लिखते हैं, द प्रिंसिपल। उसके बाद आपका स्कूल का नेम, जैसे यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ GBSSS यानी गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर आप स्कूल का एड्रेस लिख सकते हैं, जो भी आपके स्कूल का एड्रेस होगा, जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उत्तम नगर दिल्ली, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आज की डेट लिखेंगे, जो आज की डेट है वो है 26 अगस्त 2021, वो डेट लिखनी है जब आप लेटर लिख रहे हैं। फिर उसके बाद लिखना है लीव फॉर, यहाँ पे पर्पस लिखना है आप किसके लिए छुट्टी चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, सर, अगर प्रिंसिपल सर हैं तो सर, मैडम है तो मैडम, तो हम सर पे टिक लगा देते हैं, अगर प्रिंसिपल सर हैं तो, मैडम होंगे तो मैडम लिखेंगे आप। फिर लिखना है आई एम अ, क्या लिखोगे, ये ले लोगे यहां से स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th, या अगर आप 7th के बच्चे हैं तो आप यहां पर 7th लिख देंगे, ठीक है, अपनी क्लास लिखेंगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th ऑफ योर स्कूल, यानी मैं आपके स्कूल का क्लास 6 का स्टूडेंट हूं। माई सिस्टर इज गेटिंग, क्या हो रहा है सिस्टर को, क्या हो रहा है, मैरिड, मेरी सिस्टर जो है मैरिड है, हो रही है, होने जा रही है, आप लिखेंगे यहाँ पे मैरिड, माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड ऑन, कब है डेट उसकी शादी की वो लिखनी है। मान लीजिए जैसे 28 अगस्त को उसकी मैरिज है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ऑन 28/8/21 डेट ऑफ मैरिज आप लिख देंगे, यानी माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड ऑन 28 अगस्त 2021, तो आप लिखेंगे मेरी सिस्टर की जो शादी वो 28 अगस्त को होने जा रही है। फिर उसके बाद आई रियली विश टू, क्या लिखेंगे, आई रियली विश टू, यहां से आप लोगे एंजॉय, आई रियली विश टू एंजॉय दिस जॉयस ओकेजन, यहां से आप लोगे ओकेजन, ओ सी सी ए एस आई ओ एन, ओकेजन कहते हैं यानी अवसर, ठीक है, तो मैं इस अवसर पर, इस अच्छे बहुत खुश अवसर पर एंजॉय करना चाहता हूं, आई विल नॉट, क्या आएगा, एबल, आई विल नॉट एबल टू अटेंड, कौन सी क्लासेस चल रही है इस समय, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 days, यानी मैं 3 दिन तक ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने में सक्षम नहीं हूँ, ठीक है, फ्रॉम कब से कब तक, अब वो उन 3 दिनों की डेट भी लिखनी होती है। मान लीजिए हम आज से लिखते हैं 26 अगस्त 2021 से लेकर, और जब शादी है जिस दिन 28 अगस्त 2021 तक, यानी 3 दिनों तक
मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता 26 को, 27 को, 28 को. उसके बाद आएगा काइंडली, क्या आएगा काइंडली लीव मी, नहीं सॉरी काइंडली ग्रांट मी, क्या आएगा यहां पर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज थ्री. ये लीव आ गया यहां पर, ग्रांट आ गया, और यहां पर आएगा थ्री क्या डेज. ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे तीन दिन की छुट्टी देने की कृपा करें. फिर इसके बाद क्या आएगा, तो अब आपको समझ में आया कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है. उसके बाद क्या आ जाता है लास्ट में, थैंक यू योर्स ओबीडेंटली, यानी आपका आज्ञाकारी, और यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे. जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं पवन. ठीक है, और क्लास अगर सिक्स्थ है तो सिक्स्थ, सेवन्थ है तो सेवन्थ, एट्थ है तो एट्थ. इसी तरीके से हम सारी एप्लीकेशंस अगर हमें इस पर्पज़ के लिए लिखनी है तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, सिक्स्थ ए लिख देता हूँ. ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी. आप कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना एप्लीकेशन लिखने में. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए. बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद अब स्कूल भी जाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू.